नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार नौजवानों नूं रुजगार मुहैया करवाउणा उहनां दी सरकार दी प्रमुख तरजीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या का करेंगे दौरा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महारिषि वाल्मीकि हवाई अड्डा, अमृत भारत समेत वंदे भारत रेलगड्डिया की करेंगे शुरुआत। नवी दिल्ली तो अमृतसर वंदे भारत रेलगड्डी शुरू होण और फगवाड़ा ते जलंधर विखे इसके रुकण के फैसले का पंजाब वासियों वल्लों स्वागत। केंद्र सरकार ने सस्ते भाव से जैनरिक दवाइयां मुहैया करवाने लिए देश भर च 10,000 तो वध स्टोर खोले। पंजाब के 23 जिलों में 335 जन औषधि केंद्र लोगों को घट कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं दवाइयां। विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान सूबे में हुण तक 1,30,451 आयुष्मान भारत कार्ड हुए जारी। 9,17,197 तो बाद लोग सूबे च इस यात्रा का बने हिस्सा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नौजवानों को रुजगार मुहैया करवाना उन्हां दी सरकार दी प्रमुख तरजीह है। एक न्यूज़ मैगजीन दिते इंटरव्यू च उन्हां कहा कि ये सब जानते हैं कि बुनियादी ढांचे च पूंजीकारी रुजगार ते कई गुना चंगा असर पैंदा है, इसलिए सरकार ने पूंजी निवेश खर्चे विच लगातार वाधा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा निर्माण बेमिसाल रफ्तार नाल वध्या है अते सारे खेतर हुण पिछले 10 साल के मुकाबले ज़्यादा तेज़ रफ्तार नाल अगे वध रहे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई आलमी समस्यावां ते संकटां दे बावजूद भारत ने महंगाई नूं काबू हेठ रखण लई शलाघायोग लचकता दिखाई है। तारा 370 बारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थाई व्यवस्था हमेशा लई खत्म हो गई है अते पहली बार जम्मू कश्मीर अते लद्दाख दे लोक अपने भविख दा फैसला करन दी स्थिति विच ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2024 दीआं लोक सभा चोणां विच भारतीय जनता पार्टी लोकां दी कुदरती पसंद बनदी जा रही है अते नागरिकां लई इह सहमति बनी होई है कि देश नूं गठजोड़ सरकार दी लोड़ नहीं है। उन्हां इस आलोचना दा खंडन कीता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी खिते की पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पार्टी ने हर चोन तो बाद इन्हां आलोचनावां दा जवाब दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। उस सूबे में 15,000 करोड़ रुपए तो वधे कई विकास प्रोजेक्टां की शुरुआत करेंगे। सब तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या ताम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम नाल मुड़ विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मगरों नवीं अमृत भारत रेलगड्डिया वंदे भारत रेलगड्डिया हरी झंडी देंगे। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री वालों कई होर रेल प्रोजेक्ट भी देश को समर्पित करेंगे। दोपहर वेले प्रधानमंत्री नवे बने अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे का नाम महारिषि वाल्मीकि कौमांतरी हवाई अड्डा अयोध्या ताम रखा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनतक समागम विच हिस्सा लेंगे जिथे वह राज विच कई विकास प्रोजेक्टां का उद्घाटन करेंगे अते नींह पत्थर रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज के उद्घाटन तो पहला अयोध्या रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। अयोध्या ताम रेलवे स्टेशन से तैयारियों का जायजा लैन तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे स्टेशन नूं अयोध्या की संस्कृति और परंपरा के मुताबिक तैयार किया गया है। उन्हां दस्या कि नवी अमृत भारत रेलगड्डिया यात्रियों की सहूलत नूं ध्यान विच रखदिया आधुनिक तकनीक नाल तैयार किया गया है। रेल मंत्री अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 2 नवी अमृत भारत ट्रेना अते 6 वंदे भारत ट्रेना नूं वी इस मौके हरी झंडी देंगे। शहरी हवाबाजी मंत्रालय वालों अगले 10 साल दौरान उत्तर प्रदेश विच 19 हवाई अड्डे विकसित कर ले जाएंगे। शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश विच कई साल तक सिर्फ 6 ही हवाई अड्डे रहे ने अते इस वेले इन्हां दी गिनती वध के 9 हो गई है। प्रधानमंत्री भलके 10वीं हवाई अड्डे का उद्घाटन करनगे। उत्तर प्रदेश विच 9 होर हवाई अड्डे बनणगे जिस नाल इह गिनती 19 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार वालों देश विच 75 नवे हवाई अड्डे बनाए गए ने। पिछले 9 सालों विच हवाई अड्डिया की गिनती वध के 149 हो गई है जिहड़ी 2030 तक 200 तक पुज जाएगी। जहां उत्तर प्रदेश में
केवल 6 एयरपोर्ट्स थे, आज 9 एयरपोर्ट हैं, कल 10वां एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और आने वाले एक साल के अंदर 10 एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश में 19 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। अगले 2 महीने के अंदर ही 5 अतिरिक्त एयरपोर्ट, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट साथ में एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अयोध्या ताम जंक्शन तो जिन्ना वंदे भारत रेल गड्डियां नूं हरी झंडी दिखाई जा रही है, इन्हां विच दिल्ली तो श्री वैष्णो देवी कटड़ा ते दिल्ली तो अमृतसर विचाले चलन वाली वंदे भारत एक्सप्रैस भी शामिल है। यह रेलगड्डी फगवाड़ा ते जलंधर विच भी रुकेगी। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन ते अज होण वाले विशेष समागम मौके पंजाब बीजेपी के सूबा प्रधान सुनील जाखड़ समेत कई उगे आगू हाजिर रहेंगे। नवी दिल्ली विच केंद्र असाम सरकार अते असाम दे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट उल्फा विचकार इतिहासिक एक अहम समझौते ते हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते दा उद्देश उत्तर पूर्वी खेत्र विच स्थाई शांति स्थापित करना है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी विच सहमति पत्र ते दस्तखत किए गए। इस मौके शाह ने कहा कि असाम दे भविख लई इह सुनहरी दिन है। उन्होंने कहा कि असाम अते उत्तर पूर्वी खेत्र लंबे समय तो हिंसा का सामना कर रहे ने। उन्होंने कहा कि 2014 नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तो बाद दिल्ली अते उत्तर पूर्व विचाले दूरी नूं घट करन दी कोशिश की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई च गृह मंत्रालय ने उत्तर पूर्व नूं अतवाद हिंसा अते संघर्ष तो मुक्त बनाने के टीचे नूं हासिल करन लई काम किया। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों विच शांति अते सरहदा संबंधी 9 समझौतियां ते हस्ताक्षर किए गए, जिस नाल उत्तर पूर्वी खेत्र विच शांति बनाई रखने विच मदद मिली। उन्होंने कहा कि अतवादी समूहों के 9,000 तो वध मैंबर ने आत्मसमर्पण कर दिता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत व्यापारक शिपिंग की सुतंत्र आवाजाई की कदर करता है और लाल सागर विच पैदा हुई स्थिति के सारे पहलुओं का नेड़ियो मुलांकन कर रहा है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने हालांकि यह भी कहा है कि नवी दिल्ली लाल सागर विच जां इसके आले दुआले किसी बहुपक्षी पहलकदमी जां कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। खास तौर पर गाजा पट्टी विच इजराइल दियां फौजी कार्रवाइया के विरुद्ध विरोध वजों लाल सागर विच होती बागिया द्वारा समुद्री जहाजों ते हमले तेज करन तो बाद लाल सागर विच तनाव पैदा हो गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को सस्ते भाव ते जेनरिक दवाइया मुहैया करवाने लई 10,000 तो वध स्टोर खोले ने। रसायनिक ते खाद मंत्रालय ने एक बयान विच कहा कि सरकार ने देश च मैडिकल उपकरण दे निर्माण अते फार्मास्यूटिकल उद्योग नूं मजबूत करन ते वी जोर दिता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजैक्ट मंत्रालय का एक प्रमुख प्रोग्राम है, जिस विच विशेष विक्री केंद्रां राही चंगी गुणवत्ता वालियां जेनरिक दवाइया सस्तियां कीमतां ते उपलब्ध करवाईयां जांदियां ने। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजैक्ट तहत पंजाब के सारे 23 जिले 335 जन औषधि केंद्र मौजूदा समय च लोगों को घट कीमत ते दवाइया उपलब्ध करवा के वड्डी राहत दे रहे ने। साल 2023-24 विच पिछले महीने तक इन केंद्रां दे राही MRP ते कुल 41.3 करोड़ रुपए दियां दवाइयां वेचियां गईयां ने। जेकर वड्डियां दवाइयां कंपनियां दे आधार ते मुलांकन करिए तां समाज दे वख-वख लोगों नूं इन्हां दवाइयां दी खरीद नाल तकरीबन 206.50 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਨਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 135-140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਨਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ 3,000 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 452 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਲਾਜ ਹੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਣ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सरकार दियां लोक भलाई योजनावां दे टीचा नूं पूरी तरह हासिल करन ते देश दे नागरिकां दी विकसित भारत विच भागीदारी नूं उत्साहित करन दे मंतव नाल विकसित भारत संकल्प यात्रा दी शुरुआत कीती गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत सूबे भर विच हुण तक पहुंचियां 148 जागरूक वैनां ने 5,342 पिंड पंचायतां नूं अपने घेरे विच लै लिया है। यात्रा दौरान कीते जा रहे समागमां विच हुण तक सूबे भर विचों 9,17,000
4,194 लोगों ने भागीदारी यकीनी बनाई है, जिन्हां विच 4,59,254 औरतां अते 4,55,937 मर्द शामिल हुए ने। इस यात्रा दौरान सेहत जांच कैंप भी लगाए जा रहे ने। अजिहे जांच कैंपां दौरान हुण तक 2,21,797 लोगों की सेहत का चैकअप किया जा चुका है। इस दौरान टीबी संबंधी 1,15,001 लोगों की जांच की जा चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ प्रचार ही नहीं है, सगों इसका एक मुख मंतव देश के विकास में नागरिकों की भागीदारी वधाना भी है। इस मंतव तहत पंजाब भर में हुण तक 5,28,517 लोगों वालों विकसित भारत लई संकल्प लिया जा चुका है। इस यात्रा दौरान किसानों खेत उत्ते ड्रोन राही नैनो फर्टिलाइजर सैपरे करके एक विशेष तरह के डैमो भी दिते जा रहे ने। हुण तक 3,156 ड्रोन प्रदर्शन किए जा चुके ने। सरकार दीआं योजनावां दा लाभ हर लाभपात्री तक पुजे, इस मंतव तहत पंजाब विच चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान हुण तक 4,039 किसान क्रैडिट कार्ड वंडे जा चुके ने अते 1,30,451 आयुष्मान भारत कार्ड लाभपात्रियां नूं जारी किए जा चुके ने। सरकारी योजनावां दे लाभपात्री इस यात्रा दौरान बेहद खुश नजर आ रहे ने। 8,481 लाभपात्रियां ने मेरी कहानी मेरी जुबानी तहत योजनावां दे लाभ बारे सरकार दा धन्नवाद करदियां अपने दिल दे जज्बात सांझे कीते ने। पहला सानू बहुत टेंशन रहिंदी सी, इहदे करके वी इलाज दा बहुत टेंशन रहिंदी सी। जे सानू हुण किते इलाज दी लोड़ पैंदी आ तां असीं वेले कवेले जाके हॉस्पिटल च आपदा इलाज करा सकदे आ बिना पैसे तों। सरकार द्वारा दिती गई योजना हर 6 महीने च कणक मिलती है, सानू पिछले 10 सालों तो यह कणक मिलती आ रही है, जिहड़ा सानू मुफ्त अनाज मिलता है उस लई मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना वालों पैसे मिले सानू 1,75,000 रुपया मिले हैं, उन्दे नाल मकान बहुत वधिया बन गया साडा, हुण उत्थे ही रहन लग गए। अहीं मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਧੂੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। यात्रा के दौरान वातावरण संभाल संबंधी लोगों नूं समाजिक सुनेहा देने लई धरती कहे पुकार के दी पेशकारी की जा रही है, जिस तहत हुण तक पंजाब भर में 4,978 सरगर्मियां कीतियां जा चुकियां ने। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNUDDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते भी देख सकदे ने। बुलेटिन दे अखीर विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाना उनकी सरकार की प्रमुख तरजीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या का करेंगे दौरा, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, अमृत भारत समेत वंदे भारत रेलगड्डियों की करेंगे शुरुआत। नवी दिल्ली तो अमृतसर वंदे भारत रेलगड्डी शुरू होन अते फगवाड़ा ते जलंधर विखे इस दे रुकण दे फैसले का पंजाब वासियों वालों स्वागत। केंद्र सरकार ने सस्ते भाव से जेनरिक दवाइया मुहैया करवाने देश भर में 10,000 तो वध स्टोर खोले। पंजाब के 23 जिलों में 335 जन औषधि केंद्र लोगों को घट कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं दवाइया। विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान सूबे में हुण तक 1,30,451 आयुष्मान भारत कार्ड हुए जारी, 9,17,197 तो वध लोग सूबे में इस यात्रा का बने हिस्सा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया, दिओ आ गया, नमस्कार।